वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जुलाई। आज मैं बात करूंगा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में, विद इन 2 डेज में जो भी हैपनिंग हुई इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का पूरा पूरा कंटेंट आप चाहते हैं पूरे क्वेश्चन को देखना, तो आप जानकारी हब डॉट कॉम पर जाके आप वहाँ से सर्च करके ये वीडियो का पूरा पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि भारत ने हाल ही में कहाँ पे वीजा केंद्र खोला है, उस देश का नाम बताइए। देखिए वीजा केंद्र क्या मतलब होता है, जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं या दूसरी कंट्री से इंडिया में आते हैं, तो वीजा जो होता है वो ज़रूरी होता है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो या आप कुछ दिन के लिए कोई बिजनेस वीज़ा है। तो ये इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, जो इंडिया ने एक पहल स्टार्ट किया है वो है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में इंडिया ने वीजा केंद्र खोला है, एक बहुत ही अच्छा अवसर है इंडिया के लिए, लोगों के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं या वो बांग्लादेश जाते हैं किसी काम वश या किसी बिजनेस पर्पज़ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बांग्लादेश में इंडिया ने खोला है वीजा केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को चुना है एज अ वाइस चेयर के रूप में, एज अ वाइस चेयर के रूप में जो कंट्री सेलेक्ट की गई है वो है इंडिया। जापान, चीन एंड तिब्बत कई सारी कंट्रियाँ हैं, बट इसमें जो सिलेक्ट की गई है वो है इंडिया। इंडिया कंट्री सेलेक्ट की गई है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वाइस चेयर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस जगह हुआ है, उसका नाम बताइए। जो नेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है वो हुआ राजस्थान में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्टेट याद रखना है कि राजस्थान में नेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुलभ जल परियोजना कहाँ पे लॉन्च हुई है, उस राज्य का नाम बताइए। देखिए जैसे आपने सुलभ शौचालय आपने सुना होगा नाम, उसमें क्या होता है कि आपको कम पैसे में वो सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो कि मिलनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सुलभ जल परियोजना लॉन्च की गई है बिहार में, यानी बिहार से इसकी शुरुआत की गई है। हो सकता है ऐसे डे बाई डे ये इसकी जो ब्रांचेज हैं वो पूरे इंडिया लेवल पर हो जाएंगी, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सस्ते रेट पर पानी की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है इंडिया में हर जगह। तो ये एक पहल है सरकार की तरफ से, और ये इसका जो इसकी शुरुआत हुई है अभी वो बिहार से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का मोबाइल एप्लीकेशन और किस भाषा पर उपलब्ध होगा, यानी कि इंग्लिश में था पहले ही, मोस्टली इंग्लिश में था या कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में था, बट अभी इसको हिंदी में भी बनाया गया है, यानी इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि हिंदी में पढ़ा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तेलुगू, मलयालम, भोजपुरी, हिंदी, ये ऑप्शन दिए गए हैं, बट ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका जो ये वेबसाइट है केंद्रीय सूचना आयोग का मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये हिंदी मीडियम में भी हो जाएगा, आपको आसानी होगी पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। हाल ही में मतलब कि 16 तारीख को इसका परीक्षण हुआ है, ये इसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ये मिसाइल है जो कि लॉन्च की गई है अभी, इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रिसेंट में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो कि रशिया में हुआ था आप जानते हैं, इसको अभी रिसेंटली में जीता किसने, कौन वर्ल्ड चैंपियन था फीफा वर्ल्ड कप में, तो फ्रांस ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में वन महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है। वन महोत्सव का जो मेन थीम था, जो मेन मकसद था, वो ज़्यादा प्लांटेशन का था कि ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि वातावरण को और इन्वायरमेंट को अच्छा किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छी एक जानकारी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी शुरुआत की गई है वो हिमाचल प्रदेश से शुरुआत की गई है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। वन महोत्सव का आयोजन जो हुआ था, आयोजन वो हुआ था हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जैक मा या पोनी मा, अजीम प्रेम जी या मुकेश अंबानी। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है उनका नाम है मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के भी सबसे रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी जी हैं, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 10,000 रन बनाने वाले चौथे इंडियन क्रिकेटर हो गए हैं,
रॉबिन उथप्पा, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप जानते हैं, जो कि उन्होंने बहुत पहले ही बना चुके थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने 10,000 रन अभी बनाए हैं। चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं इंडिया के जो कि 10,000 रन बना चुके हैं वनडे में, ओडीआई में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहते हैं इसी तरह से क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।